हाँ तो गाइस नहाकर पिंडदान कर फ्री हो चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि यहीं से समीप ही है, पास ही है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। गर्मी बहुत है दोस्तों, यहाँ पर गर्मी के टाइम नहीं है, फिर भी गर्मी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं नाव में, जो कि यहाँ पर घाट है वो पूरे घाट संपूर्ण घुमाएंगे। 40 घाट बोले जाते हैं यहाँ पर, जो कि पूरे घाट नाव के द्वारा घूमते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं नाव से और आपको भी दिखाता हूँ नाव से नज़ारे। ऐसी कुछ रूपरेखा है और हम लोग बैठ चुके हैं नाव में, और बहुत बड़ी बोट है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी पब्लिक बैठी है इसमें, ये देखिए बहुत सारी पब्लिक एक ही बार बैठा लेते हैं, कम से कम 25 से 30 लोग बैठ जाते हैं एक बोट में। गाइस गर्मी तो इतनी तेज है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, अभी 8:30 बजा है और गर्मी इतनी तेज है कि बहुत ही ज्यादा तेज। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, राजा मान सिंह जी का किला है यहाँ के। ये देखिए राजा हरिचंद दान भी दिए थे, ये राजा हरिचंद जी दान में दिए थे। कौन सा घाट? वारही घाट। और ये यहाँ पर की 24 घंटे ही दह संस्कार होता है, आप देख सकते हैं। ये कुछ नजारा है दोस्तों, पीछे गंगा जी का, और गंगा माता बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। और गर्मी तो है पर ये आनंद भी कहाँ लोगों के नसीब में होता है, ये आनंद बहुत अद्भुत है दोस्तों। और जय गंगे मैया, हर हर गंगे। तो राजा हरिश्चंद ने बनवाया था, जहाँ पर भी देह संस्कार हो रहा है दोस्तों। तो गाइस अब हम लोग राजा घाट पर आ चुके हैं। राजा घाट पर भी स्नान किया जाता है, वैसे तो सभी घाटों पर स्नान किया जाता है, पर यहाँ पर विराम किया जाता है नाव का और फिर वापस यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी घाट की। यहाँ पर दोस्तों 40 घाट हैं टोटल, जो कि नाव से ही घुमाया जाता है और नाव से ही पूरे दर्शन किए जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, गर्मी ने बिल्कुल हाल बेहाल कर दिए हैं। इतना उम्मीद नहीं था कि इतनी अधिक गर्मी होगी यहाँ पर, और आप देख सकते हैं लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर भी राजा घाट पर आकर। और चलिए मुझे गर्मी इतनी लग रही है कि मैं तो अंदर नाव में जाकर बैठता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। गाइस अब ये पतली सी गली है जहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाया जाता है। स्नान करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी माता जी का मंदिर है, तो चलिए चलते हैं। हाँ तो गाइस मंदिर प्रांगण में मोबाइल फ़ोन बैग ले जाना अलाउ नहीं है, तो हमने भैया की दुकान पर यहाँ पर रख दिया है सब सामान, और मोबाइल भी मैं यहीं पर लॉकर में रखकर जा रहा हूँ। और मंदिर से दर्शन करने के बाद मिलता हूँ आपसे, जब तक जय श्री महाकाल। 3 hours later। हाँ तो गाइस हम लोग दर्शन तो कर चुके हैं पर मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था, जस्ट अभी बस मंदिर से निकला ही हूँ। और यहाँ पर पूरा मौसम ठंडा हो गया है, हालांकि गर्मी अभी भी है, बारिश का मौसम बन गया है। तब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, खाया भी कुछ नहीं सुबह से, तो खाना वगैरह कुछ भी खाते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। पर दोस्तों लस्सी रबड़ी मिलती है काशी मंदिर के पास ही। हाँ तो दोस्तों हमने रबड़ी का आनंद ले रहे हैं यहाँ से, हम और रबड़ी का आनंद लेकर चलते हैं यहाँ से फिर आगे की ओर। ये देखिए दोस्तों ये इडली बन रही है, यहाँ पर अब इडली खाते हैं। इस तरह से इडली बन रही, बड़े क्लास बड़े है कि इसमें। गाइस यहाँ पर हमने इडली ली है, इडली यहाँ पर इस तरह से मिलती है चटनी के साथ ही, यहाँ पर सांभर का कोई रोल नहीं है। तो चलिए इडली को फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ तो गाइस फाइनली हम लोग अभी होटल में आ चुके हैं, होटल से निकलेंगे, ट्रेन का अभी कन्फर्म करते हैं कितने क्या बजे है। वैसे ट्रेन लेट ही चल रही है, थोड़ा आराम करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही। 3 hours later। हाँ तो गाइस शाम की 6 बज चुके हैं और हम लोग गंगा आरती के लिए खड़े हुए थे, बट पानी इतना आ रहा है कि गंगा आरती के लिए घाट पर जाने ही नहीं दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग गंगा आरती के दर्शन कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कैसा क्या होता है। हाल फिलहाल तो पानी बहुत ज़्यादा ही आ रहा है,
तो पॉसिबल तो नहीं लगता है जा पाएंगे, तो फिर भी देखते हैं कैसा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। 1 hour later। तो गाइस हमने होटल खाली कर दिया है और अब हम होटल से जा रहे हैं सीधा गया जी के लिए, और गया जी के लिए हम पहले वापस ऑटो करते हैं, और ऑटो से हम जाते हैं रेलवे स्टेशन जो कि मुगल सराय, जो आज नाम बदल कर जिसका हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। तो उस रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, फिर वहाँ से गया जी की हमारा ट्रेन रिजर्व है, तो वहाँ से मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी, वहाँ से हम निकलते हैं और मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी। हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, यहाँ पर ट्रेन अच्छा हुआ जो डिले हो गई है थोड़ा सा टाइम, नहीं तो हमें ट्रेन मिल ही नहीं पाती। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं खाने के लिए व्यवस्था देखने, क्योंकि ट्रेन लगभग 1.5 घंटे लेट है, तो हमारा काम पूरा हो गया वरना जाम तो हमें बहुत बुरा मिला था। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली लगभग 3 घंटे के बाद हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ है, और अभी भी हालांकि आई तो नहीं है, अब वो आती है, अभी बच चुके हैं 12:30, अब यहाँ से चलते हैं, 3-3.5 घंटे लगेंगे वहाँ जाने के, तो चलिए चलते हैं। The next day। हाँ तो गाइस अभी बचा है सुबह का 6 और हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है, और हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली गया जी, लगभग 6 घंटे डिले चली ट्रेन, जो 12 बजे यहाँ पहुँचने वाली थी, जो 12 बजे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर ही आई थी, और उसके बाद भी आउटर पर रुकते करते टोटल 6 घंटे की जर्नी हो गई, जबकि समय लेना था उसे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। तो अब गया जी आ चुके हैं, अब गया जी के आगे की रूपरेखा जमाते हैं, और चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस हम लोग अब सिंधी धर्मशाला में रुके हुए, तो सिंधी धर्मशाला से निकल कर जा रहे हैं अब घाट की तरफ, गया जी नदी की तरफ, तो एक और नया लुक हो चुका है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से घाट की तरफ। ये कुछ आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पीछे मार्केट है पूरा का पूरा गया का, पीछे जो देख रहे हैं आप बढ़िया मार्केट है, पर गंदगी बहुत है दोस्तों, यहाँ पर गंदगी तो प्रचुर मात्रा में है। लोग पिंडदान करने के लिए आए हैं, हाँ तो गाइस हम लोगों ने पूजा पाठ कर ली और अब हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से हमारी ट्रेन 2 बजे है वैसे, पर अभी तो आई नहीं है, और 2:10 ही लेफ्ट है, तो चलिए चलते हैं। और बहुत ही सुखद रहा हमारा आज का ये दिन। और हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं, और यात्रा हमारी हो चुकी है पूरी की पूरी समाप्त, और यहीं से अब विदा लेते हैं गया जी से, और अब चलते हैं डायरेक्ट भोपाल। चलिए भोपाल चलते हैं। The next day। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सागर पहुंच चुका हूं, और बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, सुबह सुबह बारिश भी हुई, तो ट्रेन ने तो काफ़ी लेट कर दिया, अभी 3 घंटे लेट चल रही है ट्रेन, अब अभी 6:30 बजा है, तो चलिए सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, और मुझे अभी आलस आ रहा है, तो मैं 1-2 घंटे और थोड़ा रेस्ट ही करूँगा, तो चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी ही। 2 hours later। हाँ तो गाइज हम लोग बीना में पहुंच चुके हैं, और चाय की याद आ रही थी तो घर वालों को तो चाय लेने आया हूं, और चलिए चाय लेकर फिर से वापस ट्रेन में चलता हूं, बहुत लेट हो गई ट्रेन, लगभग 4 घंटे डिले चल रही है ट्रेन, तो चलिए चाय लेता हूं और फिर चलता हूं मैं वापस से ट्रेन में। हाँ तो गाइस अब हम सब यात्राओं को कर वापस से अपने गृह स्थान पर निकलने के लिए आ चुके हैं, फाइनली भोपाल पहुँचे हैं, अभी भोपाल से फिर ब्यावरा जाना है, पर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हाल फिलहाल हालांकि मैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ,
और इस ब्लॉग को इतने रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और तब तक जिंदगी को जीते रहें अपने नज़रिए से। बाय।